अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्म प्रेशर। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर वेव्स है इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑलमोस्ट 6-7 एमसीक्यू वेव्स वाले चैप्टर में से हर दफ़ा होते हैं आउट ऑफ 55। सो फोकस ऑन दिस चैप्टर। सबसे पहले वेव्स क्या है? वेव्स एक किस्म की डिस्टर्बेंस है। किस में डिस्टर्बेंस है? लहरों में। ठीक है, लहरों में या लहरों में आप कह लें, ठीक है, किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस जो क्रिएट करना है किसी मीडियम में, दैट इज़ वेव्स, जिसमें जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह, ये चीज़ याद रखिएगा। मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, मैटर यानी कोई चीज़। अब ये नहीं है कि आप यहाँ से डब्बा रखो, आप कहो कि भाई ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। हाँ, पानी या वेव्स की फॉर्म में वो ले जाता है, लेकिन कभी वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन एनर्जी और मोमेंटम, ये दो चीज़ें जो ट्रांसफ़र कर सकते हो। टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करें तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव्स है। ठीक है, इनको मीडियम चाहिए, इनको मीडियम नहीं चाहिए। जो मैटर वेव्स होते हैं ये डिपेंड करता है कौन से मैटर वेव आप सेंड कर रहे हैं। मैकेनिकल वेव्स, इनको एक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, और ये वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिसमें एग्जांपल वाटर वेव्स, वेव्स इन स्प्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग, साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स, इंफ्रासाउंड, ये सारे जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव जो होता है वो जीरो होता है। अब स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो वैक्यूम में जीरो नहीं होता। ये बच्चे मिक्स कर देते हैं, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट में जीरो नहीं होता, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो जीरो हो जाता है। व्हेन एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देयर स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ इंक्रीजेस, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम। ठीक है, अब इसे मैं अगर आपको थोड़ा फार्मूला समझा दूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला जी, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप एक रेयर मीडियम से, रेयर मतलब एक नॉर्मल मीडियम से, किसी डेंसर, लेट सपोज आपने हवा में से दीवार में कोई चीज़ घुसा रहे हो, कोई चीज़ मतलब एंटर हो रही है। ठीक है, तो उस केस में जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और इसके साथ में लैम्डा बढ़ जाता है। अब देखो, जब दोनों बढ़ रहे हैं तो हिसाब बराबर है, फार्मूले को चेंज आ रहा है नहीं आ रहा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा दें तो ये डबल हो जाएगा, यानी ये अगर एक दफ़ा इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, दोनों इंक्रीज़ हो। लेकिन अगर देखो ना, ये एक दफ़ा हो रहा है तो ये भी एक दफ़ा हो रहा है, तो हिसाब बराबर है, यानी इक्वल के दोनों साइड पर चीज़ें बराबर है। समझ आ रही है? ठीक है, तो वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो फ्रीक्वेंसी है वो रिमेन सेम रह जाएगी। लेकिन डेंसर से जब आप रेयर में एंटर करते हैं, यानी कोई हवा वगैरह से, दीवार वगैरह से बाहर किसी चीज़ में एंटर करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये वाला रेयर मीडियम है। ठीक है, हवा में एंटर करते हैं, दीवार में से कोई चीज़ निकलती है, तो स्पीड और वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों डिक्रीज़ हो जाएंगे, हिसाब बराबर, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देखें, आगे जी वेव, इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इनकी वैल्यूज़ हैं और आपने याद रखनी। साउंड वेव्स जो हम इंसान सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ होती हैं। इन्फ्रारेड 20,000 से कम होती हैं, और अल्ट्रासाउंड ये 20,000 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो हमारी हेयरिंग कैपेसिटी से कम होती है वो इन्फ्रा है, और हमारे से जो साउंड ज़्यादा होती हैं वो अल्ट्रा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनको कोई मीडियम चाहिए नहीं होता। ठीक है, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इन्फ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, वायरेज। ठीक है, और ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट द सेम स्पीड, ये कभी भी जीरो, जो लाइट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में जीरो नहीं होती। ठीक है, और इसका फार्मूला वी इज इक्वल टू वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर लैम्डा। ठीक है, और डेफिनेटली वैसे भी अगर हम इस फार्मूला को देखें तो इसमें हम एफ को अगर नीचे ले जाएँ तो लैम्डा के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होता है। आप रेयर से अगर डेंसर मीडियम में एंटर कर रहे हो तो स्पीड और वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, जबकि उसमें इंक्रीज़ हुई, तो यहाँ पे काम उल्टा हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। और इसी तरह यहाँ पे मज़ीद उल्टा होगा, यानी जो पिछले में वो डिक्रीज़ कर रहे, तो यहाँ पे दोनों इंक्रीज़ करेंगे, फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, इन मीडियम, मीडियम में जो है वी जो है वो लैम्डा के इक्वल है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा वो उसकी स्पीड होगी। अब जैसे अगर रेड लाइट है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो मतलब देखो ना, हर लाइट की अपनी एक वेवलेंथ है, तो जो भी लाइट, जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट एंटर होगी तो डेफिनेटली उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन विल ट्रैवल फास्टर इन ग्लास, तो ग्लास में कौन सी ज़्यादा ट्रैवल फास्टर करेगी। अब हमें जैसे पता है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है? इन्फ्रारेड की, तो दैट्स वाई इनकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद विजिबल लाइट, और फिर जो है आपके पास अल्ट्रावायलेट है। ठीक है, अब इसको, इसका जो आसान सा फार्मूला याद कैसे रखना है, वो रिच पीपल इन वीनस यूजेस एक्सरे गन्स। ठीक है, अब इधर जो है लैम्डा सबका हाई है, इधर लैम्डा सबसे लो है, लेकिन एनर्जी इधर सबसे हाई है
और इधर सबसे लो है। अब जैसा कि आर से रेडियो वेव्स, पी से रेड पीपल, ठीक है, रिच पीपल, नहीं सॉरी रिच पीपल नहीं, रिच मैन, रिच मैन, मैन से मतलब माइक्रोवेव, आई से इंफ्रा, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रा, एक्सरे से एक्सरे और जी से गामा रेज, ठीक है। तो गामा रेज यहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम होगी इसके, लेकिन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर यहाँ पे रेडियो वेव्स होता है, इन तीनों ऑप्शन में तो रेडियो वेव ऑप्शन था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंफ्रारेड है तो इंफ्रा की ज़्यादा है, उसके बाद फिर विजिबल है और उसके बाद जो है वो यूवी रेज है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैटर वेव्स कौन सी होती हैं, एसोसिएट विद मूविंग पार्टिकल, कोई मूविंग पार्टिकल का एसोसिएट करते हैं, जिसमें डी ब्रॉगले, जिसमें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल डी ब्रॉगले वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज गिवन, ठीक है। अच्छा, इन टर्म ऑफ स्पीड, स्पीड के हवाले से उसने क्या फॉर्मूला दिया था, वी इज इक्वल टू एच लैम्डा होता है ना, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, सॉरी, ठीक है। तो वी ओवर एफ कर दो, ठीक है। उसने यहाँ पे क्या किया है, एक एच को यूज़ किया प्लैंक कांस्टेंट को, और एम वी मोमेंटम को यूज़ किया, ठीक है। तो ये आप फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, टर्म ऑफ मोमेंटम पी इज इक्वल टू एल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, फार्मूलाज को एक बार देख लें, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आ जाते हैं, मतलब मोस्टली इतने आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी तो इनमें से आप देख सकते हो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोग्रेसिव और ट्रांसवेव, ट्रैवलिंग वेव्स मतलब ये है कि जो ऐसी वेव्स हैं चल रही होती हैं, आगे मूव कर रही होती हैं। ट्रांसफर एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, देखिए अगर मैंने यहाँ पे पत्थर मारा तो वेव ऐसे बनती जाएंगी, वेव भी आगे मूव करती जाएंगी, और जो मेरा मैटर या कोई चीज़ होगी उस पर एनर्जी होगी वो ट्रांसफर होगी। तो याद रखिएगा, कभी मैटर ट्रांसफर नहीं करता। इसमें स्पेशली ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दो टाइप की वेव्स बनती हैं। ट्रांसवर्स कौन सी हैं, जो परपेंडिकुलर होती हैं, जिसमें ये वाली वेव आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, पर 90 का एंगल बन रहा होता है, जिन ब्रैकेट परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। और इसमें रेडियो वेव्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोस्टली जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर इसमें ट्रांसवर्स वेव में आती हैं, ठीक है। वाटर वेव्स हो गए, ठीक है। जो साउंड वेव्स रहते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, जिसमें और कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन बनते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे अब ये तो मैं सिर्फ करके बता रहा हूँ, इस तरह इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इतना समझो कंप्रेशन बनेंगे, इतने रिफ्रैक्शन बनेंगे, ठीक है। मैंने ट्रांसफर वेव ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम, नो फेज चेंज। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा, फेज चेंज का मतलब एंगल का चेंज। जब भी पहले याद रखो कौन सी चीज़, ट्रांसफर वेव्स, ठीक है। रेयर से मीडियम से जाएगा डेंसर मीडियम, यानी आप कोई चीज़, आप एक पास एक बॉल है, ठीक है, आप बॉल मारते हो दीवार में, अब दीवार में बॉल, लेट्स आप बॉल पे ना एक निशान लगा दो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब आप बॉल, वो जब जैसे आप बॉल मारते हो, वो निशान वाली साइड जो है जाके दीवार पे लगती है, लेकिन जब वापस आपके पास आएगी तो उसकी दूसरी साइड आपके पास आएगी, यानी उसमें डेंस, उसमें जो एंगल का चेंज हो चुका होगा, कितना चेंज होता है 180 का। लेट्स सपोज बॉल ये है, यहाँ पे निशान था, ये दीवार है, ये जब बॉल इधर आके लगेगी तो जैसे जब वापस आ रही होगी तो आपको तो ये वाला साइड आके लगेगी ना, ठीक है, ये वाला साइड आपको शो होगा या आपके पास आएगा, एंगल चेंज हो गया ना, 180 का चेंज है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में, और लेकिन अगर कोई रेयर मीडियम हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल में। क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट कहते हैं जो ऊपर वाली जगह को, ठीक है, टॉप पॉइंट को, जिसमें आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ये आप देख रहे हो, और ट्रफ नीचे वाली जगह को कहते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, वेवलेंथ क्या है, दो कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान फासला। अब कंजक्टिव का मतलब बड़े अहम है, ज़रा समझ लो, कंजक्टिव का मतलब ये देखें, एक क्रस्ट ये है, एक क्रस्ट ये है, तो दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला है ना, वो है वेव फॉर्म या वेवलेंथ आप कह सकते हो, समझ आ रही है। दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान ले लो, ये एक ट्रफ ये एक ये, इन दोनों के दरमियान कंजक्टिव का मतलब ये साथ साथ अगर दो आपके पास क्रस्ट हैं या ट्रफ हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ वेवलेंथ। ट्रांसफर वेव कैन बी पोलराइज, पोलराइज का मतलब ये देखें, ट्रांसफर वेव में ना ये कभी कभी ऐसे होता है, ठीक है, फिर ये लेट्स सपोज ये मतलब मैं आप बल्कि समझ आया था, ठीक है, ये समझ लें ट्रांसफर वेव है, ठीक है, कोई कभी ऐसे था, अब ऐसे है, यानी इसमें 90 का एंगल बन रहा है दोनों के दरमियान, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। तो आप इनको पोलराइज कर सकते हो, पोलराइज का मतलब ये कि कोई आपके इनके आगे गिलास वगैरह रख दो ना, कुछ शीशे वाला, तो जो 90 के एंगल पे होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इसमें ऐसे होती है ना, ये 90 के एंगल पे होंगी, कुछ 0-0 के एंगल पे होंगी, तो 0 के एंगल वाली खत्म हो जाएंगी, सिर्फ 90 के एंगल रह जाएंगी। तो इस मतलब ये कि आपने लाइट को पोलराइज कर दिया, वेव को पोलराइज कर दिया। ट्रांसफर वेव कैन बी सेट अप ओनली इन सॉलिड्स, इन लिक्विड्स एंड गैसेस, दे आर डैम्प्ड आउट क्विकली। ये सिर्फ सॉलिड्स में होते हैं, किसी सख्त चीज़ में, पानी में और गैस में, ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इनको आप ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते। हाँ, अब आप रस्सी बांधो दरवाजे, आप दरवाजे के साथ रस्सी बांधो, उसको ऊपर नीचे करो, तो उसमें आपको ट्रांसफर वेव मिलेगा, देखने को मिलेगा, जल्दी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वह पानी हो गया और गैस हो गया तो वहाँ पे जो ट्रांसफर वेव है जल्दी खत्म हो जाता है। फिर आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स,
आगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये होता है कि जहाँ पे खुले खुली जगह होती है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन, और जहाँ पे तंग होता है कि यहाँ पे कंप्रेशन, ठीक है। तो वेव्स इन विच पार्टिकुलर मीडियम आर डिस्प्लेस इन डायरेक्शन अलॉन्ग द, यानी एक ही डायरेक्शन में होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उस केस में उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स हो गया, अल्ट्रासाउंड वेव्स, इंफ्रा वेव्स एंड स्प्रिंग आर एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। कंप्रेशन जो जहाँ पे डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी यानी जब गट्ठा बना होता है, और रेयरफैक्शन जहाँ पे डेंसिटी हाई नहीं होती। अब यहाँ पे अगर आप रेयर मीडियम से यानी दीवार में कोई चीज़ मार रहे हो तो कोई फेज चेंज नहीं होगा, ये याद रखना, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल में, लेकिन ट्रांसवर्स में होगा 180 का। लेकिन अगर आप किसी दीवार से कोई चीज़ बाहर हवा में फेंक रहे, तो उस केस में अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा तो वहाँ पे 180 डिग्री का फेज चेंज होगा। वेवलेंथ वही कंजक्टिव कंप्रेशन या रेयर फैक्शन के दरमियान दो डिस्टेंस होता है, दैट इज़ वेवलेंथ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में फ़र्क सिर्फ पोलराइजेशन के बेस पर कर सकते हैं, ठीक है। पता कैसे चलता है कि भाई कौन सी लॉन्गिट्यूडनल कौन सी ट्रांसवर्स वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव जब पोलराइजेशन शो करती है जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं करती। आगे पीरियोडिक वेव, पीरियोडिक वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो आप अपने जो खुद को रिपीट करती हैं, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस से रिपीट होती हैं। सो इसके लिए फार्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। अच्छा, स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर, और वेवलेंथ क्या है, कंजक्टिव नोड्स के दरमियान, कंजक्टिव पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस, और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड के अंदर या एक जो टाइम पीरियड है उसके अंदर। अगर कभी फार्मूला आ जाए तो फाइंड कैसे करना है, जितने भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है, नंबर ऑफ वेव्स हैं, उनको डिवाइड कर देना जितना टाइम दिया हो। फेज रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वेव, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो एंगल आपने ज़रूर देखना है, ठीक है, यहाँ पे जो पाई का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ना एक सर्कल पूरा हो रहा है, ये यहाँ पे आके एक सर्कल पूरा होता है, दैट्स व्हाई दैट इज द पॉइंट इज टू पाई। अब ये दो सर्कल्स को इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन फेज कब होता है और आउट ऑफ फेज कब होता है, ठीक है। तो अच्छा, फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फेज डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क। देखिए यहाँ पे सी है और ये जी है, तो इनमें देखिए फ़र्क कितना है, इधर पाई है, इधर टू पाई है, थ्री पाई है, तो थ्री पाई में से टू पाई, पाई माइनस कर दो, टू पाई का डिफरेंस है। तो मतलब फेज डिफरेंस क्या हुआ कि दो पॉइंट डेलो पॉइंट में एंगल का डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, अब जो एंगल होता है ना वो होता है पाई की फॉर्म में, जीरो पाई, टू पाई, सिक्स, फोर, ये इवन की फॉर्म में होता है, ठीक है। हैविंग सेम डिस्प्लेसमेंट, आपने ये याद रखना डिस्प्लेसमेंट सेम हो। अब देखें ज़रा यहाँ पे ये जो चीज़ देखें, ये ज़रा मैं इसको साफ कर दूँ। देखिए ये पॉइंट सी है, ये लाइन पे आकर टच कर रहा है, तो हम जी इसी पॉइंट को देखेंगे जिसके यहाँ पे आकर टच कर रहा हूँ। ये नहीं है कि इधर सी को देखो इधर आई को देखो, नहीं, अगर आई को देखना है तो इधर ई को देखो, अगर बी को देखना है तो इधर एफ को देखो। तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होना चाहिए, ये बात पहले याद रखनी है अपने माइंड में, ठीक है। और पाई की फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं, और ये इवन की फॉर्म में होता है, ठीक है। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस यानी फासले का फ़र्क, वो कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब ये वाला जो फासला है, यहाँ से यहाँ तक का फासला है, यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला फ़र्क कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए आप यूज़ करते हो जीरो लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, कितने लैम्डा का फ़र्क है, ठीक है। अब पॉइंट ए ई आई, ये एक फेज़ में, अब देखते हैं इनको, पॉइंट ए ई आई, अब आप खुद देखो, देखो ना ये इधर स्टार्टिंग है, इधर से लाइन स्टार्ट हो रही है, इधर भी लाइन स्टार्ट हो रही है, इधर भी लाइन आगे जाके स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो ये फेज़ में, फिर बी और एफ फेज़ में, ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये फेज़ में, यहाँ पे इसी तरह डी और एच हैं और सी और जी, ठीक है। तो दोनों का फेज़ फ़र्क है, यानी मतलब बाकियों से डिफरेंट है, लेकिन एक जैसे पॉइंट हो रहे हैं, एक जैसे पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, फेज़ सेम है और डिफरेंस सेम है डिस्प्लेसमेंट का, तो उस वजह से जो है वो इन फेज है, ठीक है। अब आउट ऑफ फेज कौन से होते हैं, पॉइंट हैविंग अपोजिट डिस्प्लेसमेंट और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन आर कॉल्ड आउट ऑफ फेज, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ए और सी, अब जरा ए और सी को देखते हैं। अब देखो अपोजिट होने चाहिए, तो ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, अपोजिट फेज है ना, तो ये आउट ऑफ फेज होंगे, ठीक है, आउट ऑफ फेज है, तो इस लाइन पर टच करें, ये भी लाइन पर टच कर रहा है, ये लाइन टच कर रहा है, लेकिन ये स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे, ये आके लाइन को यहाँ पे एंड कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप इनको नहीं ले सकते, इसी तरह बी और डी, बी बी यहाँ पे स्टार्टिंग पे है जबकि डी इधर नीचे है, अब हैं तो ये मतलब एक टॉप पॉइंट, ये टॉप पॉइंट है, ये भी टॉप पॉइंट है, ये नीचे से टॉप पॉइंट है, लेकिन फ़र्क ये है ना कि आपके पास इनका फेज, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम नहीं था, ठीक है। और इसको आप ऑड में रिप्रेजेंट करते हो, वो क्या थे, पाई के फॉर्म में थे, जबकि ये होंगे टू एन प्लस वन की फॉर्म में होंगे, ठीक है, टू एन प्लस वन की आप फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करोगे, जैसे थ्री पाई, टू पाई, ठीक है, उस फॉर्म में आप इनको करोगे। और पाथ, तो यहाँ पे दोनों याद रखना, फेज डिफरेंस के लिए अलग फार्मूला है पाई के फॉर्म में, और पाथ डिफरेंस, पाथ यानी रास्ते का फाइंड करने को, तो उसके लिए आप लैम्डा यूज़ करोगे, और ये भी इवन में होगा, ऑड में होगा, सॉरी, फॉर आउट ऑफ फेज पाई बाय टू होगा, ठीक है, सर लैम्डा बाय टू, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इज गिवन एज टू पाई, वैसे यूज नहीं होता, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट के लिए दे दिया, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज थ्री लैम्डा बाय फोर, देन द पॉइंट्स आर, ठीक है, पाथ डिफरेंस ये, भाई ये बताओ, अब खुद देखो ये ऑड में दिया हुआ है, ऑड में तो डेफिनेटली आउट ऑफ फेज होगा, ठीक है। तो
लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूर देख लें। पहली चीज़ तो आपने देख ली कि जो है डिवाइड की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में हुआ तो इट मीन्स ये आउट ऑफ फेज होगा, पहली चीज़ तो देख ली आपने। लेकिन ये भी देखो क्या ऐसा रिलेशन बनता है या नहीं बनता। देखो यहाँ पे ऐसा रिलेशन बनता है या नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास ये होता है हमेशा लैम्डा बाई टू, तो ये बढ़ता तो जाएगा, ये सेवन लैम्डा हो जाएगा लेकिन नीचे टू रहेगा, तो यहाँ पे तो फोर है, तो फोर तो होना नहीं कभी। सो दैट्स वाई नाइदर इज अ फेज नॉर आउट ऑफ फेज। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो है ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, पहली चीज़ तो ये याद रखो। एम सी क्यू वैक्यूम में वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी मीडियम, मीडियम में इसके ये फार्मूला है, इसका ऊपर यंग मॉडुलस है, नीचे जो डेंसिटी है, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड टू फैक्टर पर डिपेंड करती है, यंग मॉडुलस पे, और दूसरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इन्वर्स जो यंग मॉडुलस है ना, सिंपल जो इलास्टिक मॉडुलस है, सॉरी यंग नहीं, यंग इलास्टिक मॉडुलस है, इलास्टिक मॉडुलस के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वन आवर कंप्रेसिबिलिटी डेन। और दूसरा डिपेंड किस पे करती है, डेंसिटी पे करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और लाउडनेस, इन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन, तो ये सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। और स्पीड एनर्जी, ये एनर्जी का रिलेशन है, ठीक है, एनर्जी का, क्या सॉरी एनर्जी का नहीं है, ये उसका है इलास्टिक मॉडल उसका, ठीक है। और अगर स्पीड का देखो वो भी इसी तरह है, साउंड में ज़्यादा, लिक्विड में कम, और गैस में सबसे कम। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव्स हैज ग्रेटर स्पीड इन एयर, एयर में किसकी ज़्यादा होगी, एयर में किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो एयर में सबकी स्पीड ज़्यादा होती है। हाँ, अगर आप मीडियम चेंज कर दो तो तब स्पीड चेंज होती है, बाकी फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा ना तो उसकी वैल्यू स्पीड की चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो एयर है, मीडियम चेंज हो रहा है, नहीं स्पीड चेंज नहीं होनी, क्लियर हो गया। आगे चलते, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, न्यूटन ने इसके लिए पहले अपना कानून दिया, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए, जिसने ये कहा कि अगर आप जो है इलास्टिक मॉडुलस को डिवाइड करते हो डेंसिटी पे, तो आपके पास आ जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसने साथ में ये कहा कि प्रेशर ऑफ एयर आप इसकी अपी भी पुट कर सकते हो, उसकी वैल्यू निकाली, आंसर निकाला, तो ये आया 280। अब हमारा एक्चुअल आंसर था 333, तो उससे ये तकरीबन 16% का इसमें एरर आ रहा था। जो फिजिक्स होती है ना उसमें 5% एरर तो बर्दाश्त वाला है, उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाता, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी 0 सेंटीग्रेड, दैट वॉज 332 मीटर पर सेकेंड, तो वो तो आई नहीं। फिर लैपलास ने करेक्शन किया, लैपलास ने कहा देखो भाई बात ये है कि जब कंप्रेशन होती है ना तो वहाँ पे जमघटा होने की वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जब रेयरफैक्शन होती है तो खुला खुला होता है, तो उसके टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, दैट्स मीन टेम्परेचर का चेंज है, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। आपने ये चीज़ याद, तो यहाँ पे जो ओवरऑल आपके पास हीट है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी अगर यहाँ पे कम हो रही है, देखो लेट्स सपोज अगर मतलब 2 जाउल आपको हीट मिल रही है, ठीक है, तो इधर से 2 जाउल मिल रही है, 1 इधर इस्तेमाल हो रही है, 2 इधर इस्तेमाल हो रही है, लेट्स सपोज अगर 5 मिल रही है तो 5 में से 4 इधर यूज़ हो रही है, 1 इधर यूज़ हो रही है, तो हिसाब तभी बराबर है, हीट जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। लेकिन उसने ये कहा कि यहाँ पे एक जगह पे ज़्यादा हो रही है, एक जगह पे कम हो रही है, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, ओवरऑल सेम है, ओवरऑल कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं है, ठीक है। तो हीट फ्लो नहीं कर रही, हीट फ्लो का मतलब ये भी है, फ्लो यानी ये है कि जो कंप्रेशन है वहाँ पे ज़्यादा है लेकिन रेयरफैक्शन में कम है, वैसे हीट तो फ्लो करती है। अब जैसे कि अगर आपके पास चाय का कप हो वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, हीट फ्लो कर रही है ना, लेकिन इस केस में फ्लो नहीं करती, इट मीन्स आप हीट फ्लो नहीं करेगी, सो दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। इसके लिए हम सी पी ओवर सी वी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे, मोल स्पेसिफिक हीट को डिवाइड कर देंगे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के साथ, ठीक है, जो कि हमेशा 1 से बड़ा होगा, इसको कोई यूनिट नहीं होता और ये डायमेंशन नहीं होती इसके लिए, ये अपनी चीज़ें याद रखनी है। तो लैपलॉक्स ने ये करेक्शंस किए, उसने ये कहा, अब ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, मोनाटॉमिक गैस हो तो उसके लिए 1.67 है, ठीक है, इसको हम मजीद डिटेल में जाके ना जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स उसमें पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये वैल्यूज अभी सिर्फ आपने याद रखनी है, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, इनको सॉल्व करके निकालेंगे भी। डायटॉमिक प्रोसेस के लिए, गैस के लिए 1.4 और मोर पॉलीटॉमिक के लिए 1.29, ठीक है। तो एयर के लिए 1.4 यूज़ होता है। लैपलॉस ने करेक्शन की, करेक्शन करने के बाद, फार्मूला वही था, बस गैमा ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे आंसर निकाला जो कि एग्जैक्टली इक्वल आया, जो कि 333 के इक्वल आया, जो कि तकरीबन आप कह रहे 100% करेक्ट था, ठीक है। लेट V1 V2 आर द स्पीड ऑफ साउंड एयर अकॉर्डिंग न्यूटन एंड लैपलॉस करेक्शन, विच वर द फॉलोइंग इज ट्रू। स्पीड ऑफ साउंड जो है एक V1, ठीक है, V1 है और V2 है, दोनों का रेशो लेना है। रेशो लेने के लिए क्या करना है, सिर्फ गैमा ऐड कर देंगे। V2 के लिए आप गैमा देखें, न्यूटन के लिए एक फार्मूला ये था, ठीक है, गैमा इसके लिए लैपलॉस के लिए ये वाला था, इसने गैमा ऐड कर दिया, तो सिर्फ 1/√ गैमा का जो फर्क आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगा, बाकी कट जाएंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सिंस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएशन इन प्रेशर, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये देखें, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, फिर भी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एक जगह पे यूनिफॉर्म है, सेम है।
If pressure of air is double, then speed of sound कोई चेंज नहीं है, because they remain same. At constant pressure and temperature, speed of sound is inversely proportional of root of density. यानी 1/√2. किस पे? Temperature constant और pressure constant. ठीक है? Otherwise नहीं. अच्छा, since ratio of densities of O2 and H2 is 1:16:1, ये densities है, mass के ratios हैं. Hence ratio speed of sound in O2 is 1:4. ठीक है? यानी इसे क्या आइडिया हुआ? इसे आइडिया हुआ कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगा. ठीक है? जिसकी जो मास कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी. ठीक है? ये देखें, इधर इसके लिए 4 हो गया, क्लियर हो गया, 1/4. ठीक है? या 4/1 आप कह लो, जिस तरह जिसको लो. तो तकरीबन ये 4 times इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, हीलियम हाइड्रोजन की 4 times स्पीड ज़्यादा होगी किसे? ऑक्सीजन से, क्योंकि मास ज़्यादा है उसका, तो उसकी वजह से वजन ज़्यादा है, स्पीड उसकी कम है. एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस स्पीड ऑफ साउंड विल मिनिमम. मिनिमम किसकी होगी? स्पीड ऑफ साउंड. टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहे आपके पास. ठीक है? तो मिनिमम किसकी होगी? H2 की. अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस हिसाब से, तो इसकी यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा बताई. ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं लग रहा, मैं इसको ज़रा चेक करके देना आपको बताऊँगा. ठीक है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर तो इसका होना चाहिए N2. ठीक है? O2 होना चाहिए. बट ये कह रहे हैं कि डेंसिटी कम है. ठीक है, डेंसिटी तो कम है इसकी, लेकिन ये भी तो है ना कि ये इसका मास ज़्यादा है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये √T के इक्वल है. √T प्रेशर जो है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T ऑफ टेम्परेचर. ठीक है? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. रीजन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम उसका और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो इंक्रीज हो, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाता है. ठीक है? जीरो टेम्परेचर पर आपके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? V0 1+BT. ठीक है? ये आप अगर फाइंड करें तो V0 कौन सा होगा? 333. ठीक है? 1+B कॉन्स्टेंट की वैल्यू है, जो कि 1/273 है. टी जो भी आपके पास टेम्परेचर है, सपोज 2 सेंटीग्रेड है, 3 है, जो भी है. ठीक है? या आप इसको ये फॉर्मूला यूज़ करो, VT = V0 + 1/T = 273. टी जो है यहाँ पे वैल्यू है आपके पास कोई भी टेम्परेचर है. लेट्स सपोज अगर आप 22 सेंटीग्रेड पे फाइंड करना चाहते हैं तो आप फार्मूला लगा सकते हैं. ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं जी. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो आपके अभी आपको बता दिया. ठीक है? और ये इधर V1 है तो इधर भी V1 है. टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2. ठीक है? जब आप टी का जो अंडर रूट खत्म करोगे तो V2 के इक्वल है. एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड विल बिकम डबल एज दैट ऑफ 10 सेंटीग्रेड. ठीक है? तो आपने याद रखना है कि अगर इसको हम 2 times करेंगे तो ये 4 times बढ़ जाएगा. ये चीज़ पीरियड में पहले भी मैंने एक दफा करवाई है कि अगर आप किसी एक चीज़ का स्केयर है उसकी वैल्यू अगर 2 times बढ़ती है तो जिसका स्केयर नहीं है उसकी 4 times बढ़ती है. क्लियर हो गया? ठीक है? अच्छा, अब इधर अगर आप देखेंगे तो इट मींस कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है? टेम्परेचर 10 में ऐड करके, 10 जो आप वो कह रहे हैं 10 सेंटीग्रेड अगर इंक्रीज़ कर दें 10 सेंटीग्रेड पे, क्योंकि पहले 0 पे था 273, अब 10 इंक्रीज कर दोगे 283 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है? तो आपके पास जवाब आ जाएगा, दैट इज 1132 पहले वाला है. आप 0 सेंटीग्रेड वाला माइनस कर दो तो यानी इसमें से -273 निकाल दो ताकि हम इसको सेंटीग्रेड में देख सकें, तो 895 सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेंटीग्रेड में दी है. इफ स्पीड बिकम n टाइम्स देन एब्सोल्यूट टेम्परेचर विल बिकम n स्क्वायर t. ठीक है? n स्क्वायर t के इक्वल हो जाएगा अगर आप n टाइम हो जाए आपके पास स्पीड. स्पीड ऑफ साउंड आप इसको ये रिलेशन में फाइंड कर सकते हो, VT = V0 + 0.61T. टी कौन सा टेम्परेचर है जो आपके पास है? 22 सेंटीग्रेड, 23, जो भी आप लगाना चाहते हो. विद 1 डिग्री और 1 केल्विन कितना टेम्परेचर चेंज आएगा? 0.6 या 0.61. अगर मीटर पर सेकंड में देखोगे तो 0.61 आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में देखोगे तो 61 आ जाएगा. ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन का मतलब है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना. ठीक है? अच्छा, अगर 2 waves हैं सेम उनका, यानी ये ऐसे ही नीचे, लेट्स सपोज, ठीक है, और दूसरी वेव है वो भी ऐसे है, दोनों के जो स्टार्टिंग पॉइंट वो एक जैसे हों तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वैल्यू उनकी ज़्यादा हो जाती है. अगर अपोजिट हो तो एक दूसरे कैंसिल कर देते तो आंसर आपके पास क्या आता है? 0. इस केस में देखें बढ़ गए, एक एक था, एक दो था, तो उस केस में बढ़ गए. ठीक है? आगे देखें, 3 cases ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस का ये मतलब होता है कि जब 2 waves हों, अब ये आपने ज़रा फ़र्क देखना है, 2 waves हों, सेम फ्रिक्वेंसी हो, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन हो, तो इंटरफेरेंस होता है. बीट्स कब होता है? 2 waves हों, स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हों, बट ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन सेम हो, सिर्फ फ्रिक्वेंसी का डिफरेंट आ जाए, तो वो किस में आते हैं? बीट्स में आते हैं. स्टेशनरी वेव, 2 waves ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी बट ट्रैवलिंग अपोजिट डायरेक्शन हो, तो आपके पास आ जाते हैं स्टेशन. तो ये चीज़ों का आइडिया हो गया. इसमें सेम फ्रिक्वेंसी सेम डायरेक्शन, इसमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसी सेम डायरेक्शन, बट इसमें सेम फ्रिक्वेंसी डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये याद रखें. इंटरफेरेंस कब होती है भाई? जब सेम फ्रिक्वेंसी सेम डायरेक्शन में हो तो इंटरफेरेंस होती है. ठीक है? अच्छा, अब कब कंस्ट्रक्टिव होगी, कब डिस्ट्रक्टिव होगी? कंस्ट्रक्टिव ये है, कंस्ट्रक्टिव मतलब जैसे तो घर बनाना, उसको कहते हैं ना कंस्ट्रक्ट करना. डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्ट करना, तोड़ देना. ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपने,
अच्छा कंस्ट्रक्टिव कब बनेगी? कंस्ट्रक्टिव तब बनेगी जब सेम फेज में हो। सेम फेज का मतलब ये है, देखो सर अब फेज का भी समझा के आ रहा हूँ, अगर अभी भी ना समझ आई तो मार पड़नी चाहिए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रा देखें। अब ये समझ लें, एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है। अब देखिए पॉइंट, इसका भी स्टार्टिंग एक जैसा है, इसका भी एक जैसा है, इतनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे के ऊपर लैप ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से इनकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब ऐसी कंडीशन हो, ठीक है। तो देख रहे हो इधर बढ़ रही है वैल्यू, इधर कम हो रही है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है। अब इसको देखते हैं ज़रा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स फेज सेम हो और दे री इन्फोर्स ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे इकट्ठा हो जाएंगे। इसमें कब होगी? जब आउट ऑफ फेज होगा, फेज डिफरेंट होगा, एंगल डिफरेंट होगा, दे कैंसिल ईच अदर, ठीक है। फेज डिफरेंस इसका इवन होगा, पीछे भी बता के आया हूँ, इसका ऑड होगा, ठीक है, इसका 2n π होगा। फेज डिफरेंस याद रखना, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फेज की जब भी बात होगी तो इसमें पाई इन्वॉल्व होगा, और पाथ की जब भी बात होगी इसमें लैम्डा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमेशा इवन होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए हमेशा इवन, चाहे वो पाथ डिफरेंस हो या फेज डिफरेंस, एंड लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। यानी जितने नंबर हैं उतने नंबर लगा दो और साथ में लैम्डा। लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा? ये λ/2 होगा, λ/4 नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना वरना गलत हो जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, जबकि इसमें दोनों माइनस हो जाएंगे, ये जीरो के इक्वल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मैक्सिमम मोस्टली कैंसिल हो जाते हैं, जबकि ये मैक्सिमम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्केयर के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपने याद रखा, वेव्स हैविंग कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड एज कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट, अब ये जो बीम कितने कोहेरेंट वेव्स किस में होती हैं? ये जो लेजर लाइट होती है ना, इनमें जितनी भी लाइटें इसकी निकलती हैं उन सब की जो फेज कांस्टेंट होता है, तो उस वजह से उनको कोहेरेंट फेज सोर्सेज कहते हैं। 2n+ एक ऑड नंबर को जाहिर करता है, आप एन जो मर्जी इंटीजर दर्ज करें जवाब हमेशा ऑड ही आएगा, 2n+1, ठीक है। देखिए ना, 2n होता तो इवन था, अब हमने प्लस वन कर दिया तो इसकी वजह से वो बार बार उसको ऑड कह रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, टू स्पीकर्स आर प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर, लैम्डा 2 दिया हुआ है। टू वेव्स आर सेम एम्पलीट्यूड, देन फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी, ठीक है। एट पॉइंट पी आपने पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट पी आपके पास है जी यहाँ पे, तो पाथ डिफरेंस का 4 है 6 है, और दूसरे का जो है वो 2 है, ठीक है, उसने खुद बता दिया ऑलरेडी। तो 2 माइनस कर दोगे तो 4 आपके पास आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 4 मीटर आ जाएगा। 4 मीटर में से अब क्योंकि 2, हाँ ठीक है, 4 मीटर आ जाएगा टोटल। अब ये क्योंकि एक इस साइड से भी आवाज़ आ रही है, एक इस साइड से भी आवाज़ आ रही है, तो वो अब जब 2 निकाल दोगे तो बाकी पीछे क्या रह जाएगा? 2 लैम्डा। तो यानी सिंस पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्डा, हैं सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम अकर एट पॉइंट पी, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम जो है वो पॉइंट पी पे होगा, यानी इसमें आवाज़ उसको सुनाई देगी सेकेंड ऑर्डर। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा इसको सॉल्व करने का, अगर मतलब डिस्ट्रक्टिव होगा तो ये 0 हो जाएगा। बीट्स, बीट्स कब सेम होते, कब होते हैं? फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है लेकिन सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। बीट्स आर पीरियडिक, और ये मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान एक डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा सिंगल ट्यूनिंग फॉर प्रोड्यूस साउंड वेव्स ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी से f = 32 Hz, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल दी हुई है, अगर आप कोई वैक्स या कोई भारी चीज़ लगा दें ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर, ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। ये MCQs आपको याद रखना है हमेशा। इफ ट्यूनिंग फॉर्क्स आर साउंडेड टुगेदर बीट्स आर प्रोड्यूस हैविंग बीट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अगर दो, लेट्स सपोज एक आपके पास ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये है, दोनों को जब बजाओगे तो एक डिफरेंस पैदा होगा जिसकी वजह से एक खास किस्म की आवाज़ पैदा होगी, जिससे हम ये म्यूजिक सिस्टम बनाते हैं, गिटार वगैरह इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। बीट फ्रिक्वेंसी आर इक्वल टू डिफरेंस, अभी कैसे फाइंड करते हैं? लेट्स सपोज एक पहली वाली बीट वो है क्या कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, और ये दूसरा है। लेट्स सपोज अगर ये 50 है, ठीक है, और ये 48 है, तो कितने बीट्स हमें सुनने को मिलेंगे? तो हमें तकरीबन 2 बीट्स सुनने को मिलेंगे, ठीक है। इफ टू साउंड वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 50 Hz आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, देन 50 डायरेक्शन है, 50 Hz है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इसने दिया हुआ है कि 54 से आप माइनस कर दो 50, तो आपके पास 4 Hz आ जाएंगे, यानी 4 आपको तकरीबन बीट्स सुनाई देंगे। ये बीट फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन 10 Hz, बीट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमन ईयर, अगर 10 Hz से ज़्यादा होंगे तो इंसान सुन नहीं सकता, ये याद रखिएगा। बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, देखें जो ये गाने बजाने या बाजे वगैरह होते हैं ना, इनको इनकी आवाज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इनको सेट करने के लिए ये काम किया जाता है कि ट्यूनिंग फोर्स से इनको मैच किया जाता है, तो फिर ये प्रोड्यूस होते हैं, यानी इनको सेट किया जाता है। स्टेशनरी वेव्स अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, फ्रिक्वेंसी सेम होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। लेट्स सपोज ये एक इधर जा रही है तो दूसरा इधर आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे उसको नोड कहते हैं, ठीक है, और जहाँ पे इकट्ठे नहीं हो रहे ऊपर मैक्सिमम होते हैं तो उसको एंटी नोड कहते हैं, ठीक हो गया। और नोड्स पॉइंट्स वेज शो 0 डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, देखें डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कि डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है,
तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो वो नोड्स होंगे, एंटी नोड पॉइंट्स वेयर जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। ऑल पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेप्ट नोड्स, हर जगह पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है लेकिन नोड्स पे नहीं होता क्योंकि पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला फार्मूला ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जब ये जीरो हो गया तो उसकी वजह से आप एक्सेलरेशन को भी जीरो कर देगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव नोड इज पाई बाई टू, ये याद रखना है। कंडक्टिव कंजक्टिव यानी एक नोड ये है एक नोड ये है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो होता है वो लैम्डा बाई टू होता है, ठीक है। अगर आपने इन दोनों के दरमियान लेना, यानी एक एंटी नोड है और एक नोड है, तो उनके दरमियान होता है जी लैम्डा बाई फोर, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव एंटी नोड, अगर आप ऐसे लेना चाहते हैं, देखिए अभी तो मैंने नोड का बताया ना, अब मैं एंटी नोड का बताता हूँ, ठीक है। एक एंटी नोड ये है एक एंटी नोड ये, तो इन दोनों के दरमियान जो होगा वो भी आपके पास लैम्डा बाई टू होगा। अगर इनके दरमियान लोगे, इनके दरमियान, इसके दरमियान, इसके दरमियान, ये भी लैम्डा बाई टू होगा। अगर इसके दरमियान, इसके दरमियान लोगे, इसके और इसके दरमियान लोगे, तो ये भी लैम्डा बाई टू होगा। लेकिन इनको फर्दर आप तोड़ना चाहोगे, इन दोनों के दरमियान लोगे, लेट्स सपोज इन दोनों के दरमियान इधर इधर, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई फोर। क्लियर हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे और यहाँ पे कितना होगा लैम्डा बाई टू, ठीक है। अगर इन दोनों के दरमियान में लोगे, ठीक है, एक नोड और एक एंटी नोड इन दोनों के दरमियान में लोगे, तो तब ये लैम्डा बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पूरे का लो, दो का लो, एक ये है, इस पूरे का लोगे तो उसको हम लैम्डा कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं जी, कंसिडर स्ट्रिंग एंड वाइब्रेशन थ्री लूप, तीन लूप्स हैं भाई, तीन लूप्स बना लेते हैं, एक ये है, दो तीन, तीन लूप्स हैं जी, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नोड एंड थर्ड एंटी नोड, फर्स्ट नोड ये है, थर्ड एंटी नोड है, एक ये एंटी नोड, दूसरा ये तीसरा। तो अब इसके दरमियान बड़ा आसान काम है, देखें पहले तो आपके पास ये दो डब्बे पूरे हो, दो मतलब नोड एंटी नोड ये पूरे हो, तो ये पूरे होने में पहला तो लैम्डा आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लैम्डा बाई फोर होगा, अब इनको इकट्ठा कर लो, एक लैम्डा है और एक लैम्डा बाई फोर है, ठीक है। तो इकट्ठा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा फोर लैम्डा प्लस लैम्डा, क्या हो जाएगा फाइव लैम्डा बाई फोर। क्लियर हो गया, आगे देखें, ठीक है, आसान है तो मुश्किल नहीं है। इफ़ टू 12 सेंटीमीटर स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन फोर सेगमेंट्स, चार सेगमेंट्स है भाई, देन डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड इज, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है तो हमेशा आपने नोड एंड एंटी नोड में ये चीज़ याद रखनी है, लेंथ आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोड, एक नोड से दूसरे नोड तक फर्क फासला कितना है, दो के है आपके पास लैम्डा बाई टू, तो जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट्स को मतलब मल्टीप्लाई करो लैम्डा बाई टू के साथ, ठीक है। तो अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि फाइंड करना है हमने डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है जी, तो वो ज़रा फाइंड करते हैं, ठीक है। अब एल हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो टू को मल्टीप्लाई कर दो एल के साथ, टू एल, ठीक है, और फोर के साथ डिवाइड कर दो इसके, तो 12 सेंटीमीटर है जी, ठीक है, और फोर के साथ इसको डिवाइड कर दिया, चार तीन के 12, दो तीन छः होना चाहिए जबकि छः इन्होंने नहीं दिया हुआ, 10। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये लैम्डा किसके इक्वल आ गया, छः के इक्वल, यानी पूरा एक जो है वो छः के इक्वल होगा, ठीक है। ये पूरा छः के इक्वल है, ये पूरा छः के इक्वल है, ये यानी अगर आप उसके दो, ये सर्कल पूरा बन जाता है, ये पूरा एक वेव बन जाता है, ये पूरा क्योंकि पूरा लैम्डा के इक्वल है ना, ये छः के इक्वल है। अब उसने क्या पूछा हुआ है, नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड, उसने एक नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड के दरमियान पूछा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लैम्डा बाई टू हो जाएगा, और ये वाला ये लैम्डा बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी वैल्यू इस तरह आएंगी, अब देखो ना, अगर ये छः है तो ये तीन होगा, ठीक है, ये तीन होगा। अब उसने हमसे क्या पूछा हुआ है कि बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड, ठीक है, नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड में तो डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, या उसने अगर यहीं पे पूछा हुआ है, यहाँ एक नोड ये है दूसरा एंटी नोड ये है, तो ये तकरीबन 1.5 हो जाएगा, तीन का आधा करो, ठीक है, तो इस तरह आप इसको हल करो। आगे है जी स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग। अब आपने एक रस्सी बांधी हुई है दरवाजे के साथ, आप उसको ऊपर नीचे कर रहे हो तो वहाँ पे उसमें वेव्स बनती हैं, क्योंकि स्टेशनरी अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उसमें वेव्स बनती है। कौन सी वेव्स बनती है, ट्रांसवर्स वेव बनती है, ठीक है। जितने जहाँ से आप प्लग करोगे, जहाँ से उसको लाओगे, उस हिसाब से वेव्स बनेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव्स, तो स्पीड ऑफ वेव एफ ओवर एम, एफ जो है आपके पास टेंशन, ठीक है, एम इज़ द मास, और यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ और अंडर रूट ऑफ
मैथ, जितना मैथ ज़्यादा होगा स्पीड कम होगा। स्पीड ऑफ वेव स्ट्रेस स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ लूज पर डिपेंड नहीं करता, और साथ में फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। आगे जी, अब टेंशन ऑफ स्ट्रीम बिकम फोर टाइम स्पीड ऑफ साउंड, तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर टेंशन, देखिए टेंशन फोर्स है ना, अगर वो फोर टाइम हो, अंडर रूट है ना, अगर फोर टाइम हो तो बाहर उसका इफेक्ट टू टाइम आएगा, तो दैट मीन्स वो टू टाइम बढ़ जाएगा। या और वन मोड वाइब्रेशन, अब पहली मोड के वाइब्रेशन है, ठीक है, ये आपके पास एक नोड मोड वाइब्रेशन है जिसमें, एंड नोड कितने हैं जी, दो नोड हैं, ये बात याद रखें। एक मोड में कितने नोड होते हैं, दो नोड होते हैं और एक एंटी नोड होता है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, और ये किसके इक्वल है, लेंथ किसके इक्वल है जी, आपके पास इक्वल है जी लैम्डा बाय टू। अगर आप इसको इस तरह लेंथ की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L, ठीक है, ये 2L बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं भाई, एक है, नंबर ऑफ नोड दो हैं, नंबर ऑफ एंटी नोड एक है, ठीक है, और लैम्डा की फॉर्म में 2L है। स्ट्रिंग फार्मूला क्या है, 1/2L, ठीक है, 1/2L क्यों क्यों हमने ऐड किया, देखिए 1/2L किसकी जगह पर ऐड किया, वो हमने लैम्डा की जगह पर ऐड किया, लैम्डा FM, ठीक है। अब ये मैंने कहाँ से ऐड किया, ज़रा ये समझिए, आपके पास फार्मूला है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मुझे निकालना है जी लैम्डा, सॉरी F निकालना है, F को इधर छोड़ो बाकी उधर ले जाओ, F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लैम्डा की यहाँ पे एग्जांपल लूँ, अब देखो ना लैम्डा की मेरे वैल्यू क्या आई है 2L, तो इसलिए वजह से मैंने यहाँ पे 1/2L लिखा है, 1/2L, ठीक है। अच्छा, अब मुझे वैल्यू पुट करनी है वी की, वी की वैल्यू मैं पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ये है वैल्यू, यहाँ पे हमने v की वैल्यू पड़ी क्या है f ओवर m, ठीक है, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया f ओवर m, तो फार्मूला बन गया f ओवर m, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो ये फार्मूला यहाँ से है, f1 को हम पहली फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको पहला फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, ठीक है। लाफ लेंथ फ्रीक्वेंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स या टेंशन कह लो जिसको, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास के साथ, ठीक है। अब क्या कहते हैं, सेकंड मोड की हम बात कर लेते हैं, सेकंड मोड में क्या हो जाएगा, सेकंड मोड में ज़रा पहले ये देखते हैं, इसको देखें। अब ये आपके पास जी सर्कल बन रहा है, ठीक है, सॉरी ये पूरा, अब इसमें दो आप कह लें वाइब्रेशंस हैं, दो नोड और एंटी नोड है। अब पहले इसमें देखो, ये पूरा लैम्डा के इक्वल होगा, एल इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, तो कोई फ़र्क तो रहा नहीं, यानी अब टोटली लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये होगी, दूसरा नोड लूप्स कितने हैं, दो हैं भाई, नोड्स कितने हैं, एक ये बीच में और एक है, तीन है। एंटी नोड कितने, दो हैं, ठीक है, और जो इसका स्ट्रिंग की वो है लैम्डा, वो है आपके पास एल के इक्वल। फ्रीक्वेंसी क्या डबल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी इसकी, एक इसकी, तो 2f1 के हिसाब से बन जाएगा, क्योंकि जितने लूप्स ज़्यादा होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब थर्ड पे वही चीज़ें डिफरेंट कर दो, क्या देखो ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो लैम्डा के इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक जो है लैम्डा बाय 2 के इक्वल है, ठीक है, लैम्डा बाय 2, जब इनको इकट्ठा करोगे तो क्या जवाब आएगा, 2L बाय 3, ठीक है। फार्मूला आसान है, फार्मूला क्या आसान है, कैसे देखें, लूप्स कितने हैं, तीन है जी, नोड्स कितने हैं, चार हैं, एंटी नोड तीन है, ठीक है। अच्छा, ये 2L बाय 3 हो गया, ठीक हो गया, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, फ्रिक्वेंसी 2F1, यानी एफ जो फार्मूला है ना उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, F1 का फार्मूला क्या था ये, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये जो थर्ड हार्मोनिक है ना ये आ जाएगा, क्लियर हो गया। आगे सच ऑसिलेशन हार्मोनिक, हार्मोनिक ये होता है कि एक रेपिटेशन के साथ रिपीट होना, इन ईच फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ 21 फ्रीक्वेंसी, यानी ये है कि पहली फ्रीक्वेंसी अगर 100 आई है ना तो दूसरी आए 200, तीसरी 300, मतलब ये कि जो 100 वाली है ना उसको आप 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी को हार्मोनिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें पहली फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है और बाकी फिर उससे हिसाब लगाया जाता है कि भैया इसको 2 के साथ करना है, 3 के साथ करना है, क्वांटिटी कौन सी है। आगे हम जाके इसको ऑर्गन पाइप्स में पढ़ेंगे डिटेल से। फ्रीक्वेंसी अदर देन हार्मोनिक्स आर डैम्प्ड आउट क्विकली, हार्मोनिक्स जो ऐसे होते हैं बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, उनके अलावा कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है वो जल्दी खत्म हो जाती है। ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी फर्स्ट पहली फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ है, विच द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन द स्ट्रेचिंग। देखो पहली अगर 20 है, अब जरा यहाँ पे देखो, ये खुद याद रखो, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या था, स्ट्रिंग में हमेशा हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे भी हमने 2 से किया, यहाँ से फिर 2 से किया, तो हम बार बार 2 से कर रहे थे, तो 2 के हिसाब से अगर हम करें तो ये 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, लेकिन 70 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 70 कभी भी नहीं होगा। अच्छा, अब आपको पता है लैम्डा को कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ को कैसे फाइंड करते हैं, हम लेंथ को लेते हैं
लैम्डा बाय टू थ्री जो भी उस हिसाब से, यानी नीचे एन आ जाएगा, लैम्डा बाय एन आ जाएगा। हम लेंथ को ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, जो पहला लैम्डा है उसको सिंपल वैसे रख दोगे, बाकी नीचे वैल्यू रख दोगे। जितने लूप्स ज़्यादा हो जाएंगे उतने लैम्डा बढ़ जाएंगे, ठीक हो गया। आगे आगे देखें, नंबर ऑफ लूप्स एन, नंबर ऑफ नोड्स एक प्लस कर दोगे एन में, और नंबर ऑफ एंटी नोड उतने ही बनेंगे। लूप अगर तीन है तो नोड एंटी नोड उतने ही, तीन ही बनेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी कैसे निकालोगे, एन एफ वन। लेट्स सपोज फ्रिक्वेंसी है जी एन, इसका है लूप्स, जितने लूप्स होंगे उतनी फ्रिक्वेंसी, उतने से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तीन होनी चाहिए थी, वैसे ये गलत है कि नहीं, गलत की। जितने लूप होंगे, लूप कितने हैं, दो थे तो टू से मल्टीप्लाई किया, लूप तीन होंगे तो तीन से मल्टीप्लाई करोगे। जितने लूप होंगे उस हिसाब से आपकी वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। अगर पांच लूप हैं तो ये हो जाएगा एफ फाइव इज इक्वल टू फाइव एफ वन, जो एफ वन की वैल्यू है उसको पाँच के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पाँचवा हार्मोनिक आएगा, ठीक है। और एफ वन की वैल्यू ये है तो यहाँ पे इनके साथ पाँच में पाँच मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। एन जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो हम निकालेंगे। ओवरटूम्स का मतलब ये होता है कि हार्मोनिक निकाल दिया आपने, असल जो वैल्यू थी वो निकाल दी, उसके बाद मल्टीप्लाई करना, बस निकालना नहीं, हल नहीं करना, मतलब टू से थ्री से जो भी सीक्वेंस है उससे मल्टीप्लाई करना। एंड ओवरटूम्स इन फ्रीक्वेंसी अमंग हार्मोनिक सीक्वेंस दैट इज ग्रेटर देन फंडामेंटल, जो फंडामेंटल से हमेशा बड़ी होती है। फंडामेंटल अगर 100 है तो ये 200 होगी, 300 होगी, 400, 500 हिसाब से होगी। अगर ऑड हो तो ये होगी 300, 500, 700, 900, इवन होगी तो 200, 400, 600, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 से 3 से 4 से, लेकिन करेंगे किसको, पहली फ्रीक्वेंसी को, फर्स्ट हार्मोनिक को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरटून से। हमेशा याद रखें ओवरटून, अब आप कोई बच्चा पूछे पहला ओवरटून कौन सा होगा तो वो 2F1 होगा। पहले जो F1 है ना, इसको ओवरटून मत समझ लेना, ये बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको आप निकालोगे, इसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो फर्स्ट ओवरटून होगा, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी F1, 2F1, 3F1, 4F1, ठीक है। मोड ऑफ वाइब्रेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और हार्मोनिक ये भी फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, लेकिन ओवरट्यून, ओवरट्यून जो पहला है वो हमेशा फंडामेंटल होगा, लेकिन बाकी फिर 2F1 इसका फर्स्ट होगा, बाकी सेकंड एंड सो होगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं जी। एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ पे हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ज़रा इसको देख लेते हैं। आगे कितने पेजेस रह गए, ज़रा ये देख लूँ, 93 पेज, तकरीबन 7 पेजेस हैं अभी भी, इट मीन्स तकरीबन एक घंटे की वीडियो होने वाली, चलें नो प्रॉब्लम नेट ऑल। एप्लीकेशन को देखते हैं, देखें जो नट्स होते हैं ना गिटार वगैरह पे, तो उनके उनको घुमाया जाता है जिससे जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो आवाज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। स्ट्रिंग्स होती हैं उनके ऊपर, यानी स्ट्रिंग्स को आप प्लग करते हो, स्ट्रिंग को जो रस्सियाँ होती हैं गिटार वगैरह पे, उनसे उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, डिफरेंट आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर प्रिंसिपल इनमें यूज़ होते हैं। देखिए ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटून, देखिए फिफ्थ ओवरटून है, याद रखें ये 60 हर्ट्ज़, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक विल बी, सेकंड हार्मोनिक आपने बताना है, ठीक है। तो सेकंड हार्मोनिक जो है, या आप ये कह लें कि 60, यानी फिफ्थ ओवरटून कौन सा होगा, देखें फिफ्थ ओवरटून का मतलब ये है, पहली फ्रीक्वेंसी F1, ठीक है, दूसरी क्या होगी 2F1, ये पहला ओवरटून है, ठीक है, ये दूसरा ओवरटून, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, 6F1 जो है ये पांचवा ओवरटून होगा। तो 6F1 क्या है जी, 60 है, तो 60 को डिवाइड कर दो 6 पे तो 10 हर्ट्ज़, यानी फर्स्ट इसकी 10 हर्ट्ज़ आ गई, सेकंड क्या होगी 20 हर्ट्ज़ हो जाएगी, ठीक है। आगे देखें, अच्छा तो इसका क्या आंसर आया, सेकंड हार्मोनिक दैट इज़ 20 हर्ट्ज़। इफ थ्री कंजक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक सीरीज गिवन एज 60, 75 देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटून विल बी, ठीक है। तो इसकी जो हार्मोनिक सीरीज है वो 60, 75, 90, यानी 15 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे ये डिफरेंस देखें कितना का है, 15 का, यानी F1 इसका कितना है 15। लेकिन उसने पूछा देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटून, ओवरटून का पूछा, ये बात बहुत दफ़ा मैं कह चुका हूँ, ये ज़रूर देखें वरना गलत कर देंगे। पहला 15 है लेकिन उसने फर्स्ट ओवरटून का पूछा जो कि 2F1 हो जाएगा, तो 2F1 कितना होता है, वो आपके पास 30 हर्ट्ज़ होता है, ये चीज़ याद रखें वरना गलत कर जाएंगे। अच्छा आगे है जी एयर कॉलम, अब ये काफ़ी मज़े का है, काफ़ी आसान है, बस आपने इसको भूलना नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आखिरी पॉइंट्स को क्लोज पॉइंट्स कहते हैं, उनको एंटी ओपन पॉइंट कहते हैं। हमेशा याद रखें क्लोज पॉइंट्स पे नोड्स होगा और ओपन एंड्स पे एंटी नोड होगा, ठीक है। तो इसमें जब आवाज़ आती है तो डिफरेंट आवाज़ आती है ना, डिफरेंट आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अगर आखिरी एंड बंद हो तो चेंज हो जाती है, अगर खुला हो तो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन एयर कॉलम, कौन सी एयर कॉलम में प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये साइड तो इसकी ठीक है लेकिन ये साइड नहीं आ सकती। अगर साइड खुली है तो हमेशा वहाँ पे एंटी नोड होगा, ठीक है। अच्छा ये अगर साइड बंद है तो वहाँ पे हमेशा नोड होगा, जबकि यहाँ पे एंटी नोड्स हैं, ये भी गलत है, ठीक है। अब ये भी गलत है कि अगर आपके पास ये ओपन है तो इसमें मतलब इसे डायरेक्टली इस तरह नोड नहीं बन जाया करते, ठीक है। एट ओपन एंड ऑलवेज एंटी नोड, एंड एट क्लोज एंड एंड्स ऑलवेज नोड इज फॉर्म, तो ये बात आपने हमेशा अपने माइंड में खोपड़ी में बिठा लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ओपन एंड, अगर दोनों साइड्स पे ओपन है तो बड़े मज़े का इसका फार्मूला है, ठीक है।
बस एक फार्मूला बस आपने याद क्या रखना है कि एफ इज इक्वल टू फार्मूला क्या, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा ना, एफ लैम्डा हमें फ्रीक्वेंसी से काम है, तो वी एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब लैम्डा क्या याद रखना है अपने हमेशा, अगर पाइप हम ओपन होगा तो हमेशा उसके लिए 2L याद रखना है, क्या याद रखना है 2L, यानी एफ इज इक्वल टू वी ओवर 2L, ठीक है। ओपन एंड के लिए थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, वी ओवर 4L हो जाएगा, बस फर्क कितना है, बाकी कोई भी फर्क नहीं, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये है, इसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी अगर एग्जांपल लें तो दोनों साइड्स ओपन है, मतलब दोनों साइड्स में बनेगा क्या, एंटी नोड बनेगा, ठीक है। अब देखो आपको पता है यहाँ से नोड से एंटी नोड तक कितना लैम्डा बाय टू होता है, इधर भी लैम्डा बाय टू होता है, जब दो लैम्डा बाय टू ऐड हो जाते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है सिंपल लैम्डा बाय टू, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, ये जो है ना इतना, ये लैम्डा बाय फोर होता है और ये भी लैम्डा बाय फोर है, जब दो को इकट्ठा करोगे तो ये लैम्डा बाय टू हो जाएगा, लैम्डा बाय टू ये हो गया। अब हमें एल के साथ मल्टीप्लाई करना, टू तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और लैम्डा इधर आ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2L, तो इस वजह से फार्मूला क्या बन गया, एफ इजिकल वी ओवर 2L, ठीक है। नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं भाई, एक। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, वो भी एक है, ठीक है। नंबर ऑफ एंटी नोड कितने हैं, वो दो हैं, ठीक हो गया। अच्छा दूसरा, मैं वेवलेंथ हमने निकाल ली फ्रीक्वेंसी से आगे, एफ नोन इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल हार्मोनिक और फंडामेंटल टोन, ठीक है। अगर ओवर टोन की बात की जाए तो वो उसके बाद होती हैं। अब सेकंड में देखते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये एक लैम्डा बाय टू है, ये लैम्डा बाय फोर, ये भी लैम्डा बाय फोर, ये तीनों इकट्ठे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लैम्डा के इक्वल आ जाएंगे टोटल, ठीक है, एल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो एल के इक्वल आएगा तो इट मीन्स लूप्स कितने हैं भाई, दो। नोड्स कितने हैं, दो। एंटी नोड कितने हैं, तीन है, ठीक है। और लैम्डा आपके पास है, एल के इक्वल है, तो 2L ओवर 2, ठीक है, यानी V ओवर 2L आता है ना आपके पास, ठीक है। तो इट मीन्स V ओवर लैम्डा, अब लैम्डा की वैल्यू क्या है, L, ठीक है, तो V ओवर सिंपल इसमें L आ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन आप इसको क्या करोगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, 2 से डिवाइड भी करोगे, ताकि ये वाला फार्मूला सस्टेन रहे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, 2 से डिवाइड भी करोगे, ताकि वो वाला फार्मूला कामयाब रहे, वरना ये काम खराब होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देखो तो जो ये वाला फार्मूला है V ओवर 2L, उस 2 को ऊपर वाले को छोड़ो अभी, तो ये F1 के इक्वल है, जिसकी वजह से ये वाला 2 इधर आ गया और बाकी साइड पे F1 आ गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा, तो अगर कभी कोई ऐसी केस हो तो वहाँ पे आप 2 ऊपर जो भी वैल्यू लगा रहे हो, नीचे वो लगाओगे हमेशा कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फर्क तो नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारा फार्मूला पूरा हो रहा है, तो इस वजह से हमने एक किया। आगे देखें, अगर एन नंबर हो तो लूप्स एन, ठीक है, नोड्स एन, लेकिन एंटी नोड के लिए एन प्लस वन हो जाएगा, ये किसके लिए, ओपन एंड, ओपन पाइप के लिए, ठीक है। लेकिन पीछे जो हम पढ़ के आए थे स्टेशनरी वेव्स में, धागे की केस में, स्ट्रिंग की केस में, तो स्ट्रिंग के केस में आप वहाँ पे नोड के साथ एन प्लस वन करते थे, तो ये बात, ये जो कुछ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं ये आपने माइंड में रख लेने, ठीक है। अच्छा आगे देखें, फ्रिक्वेंसी एन एफ वन हो जाएगा जी, ठीक है। एन वी, वी इज इक्वल टू 2L, अब V के साथ कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसे वो इधर ऊपर आया था 2V ओवर 2L, ठीक है, ये वाले तो फार्मूले वाले निकल जाएंगे, ये F1 है, लेकिन ये वाला साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, डिपेंडिंग। हार्मोनिक सच ऑसिलेशन, जो एक रिपीटेड इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, जो पहली फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, उनको हार्मोनिक्स कहते हैं, जैसे पहले अगर 100 है तो दूसरी 200, 300 ऐसे। ओवर ट्यून्स क्या होते हैं, जो पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के उसके बाद जो स्टार्ट होते हैं वो ओवर ट्यून होते हैं, ठीक है, जैसे 2F1, 3F1, 4F1, ये बार बार बताने की चीज़ें नहीं, अभी हम पढ़ के हैं डिटेल में, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया, ओवर ट्यून क्या होता है कि पहले तो फंडामेंटल ट्यून होता है, लेकिन उसके बाद से भाई फर्स्ट सेकंड, ये चीज़ आपने याद रखनी, फार्मूले को अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा अब ये ओपन एंड बोथ हैंड्स है, ठीक है, ये गलत लिख रहे हैं, क्या मिस्टेक्स कर देते हैं, ये क्लोज एंड है, ठीक है। अगर क्लोज एंड हो तो आपने याद रखना है कि इसके क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, लैम्डा बाय टू, ये लैम्डा बाय फोर के इक्वल है, तो फोर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू फोर, तो इस वजह से ये वी ओवर फोर एल होता है, ठीक है, ये वी ओवर फोर एल होता है। अच्छा फार्मूला का क्या हो गया, वी ओवर फोर एल, यहाँ पे फोर एल होगा, ये मिस्टेक्स कर देते हैं इतनी बदली, क्या कहें इनको बंदा। सिंगल लूप इज प्रोड्यूस इन क्लोज पाइप एज शोन फिगर, ठीक है, ये सिंगल लूप बन सकता है इसमें, ठीक है, अगर पाइप लंबा हो, बिकॉज ओपन एंड ऑलवेज एंटी नोड एंड क्लोज एंड ऑलवेज नोड इज फॉर्म एंड सेकंड हार्मोनिक कैन नॉट प्रोड्यूस इन क्लोज पाइप, तो सेकंड हार्मोनिक जो क्लोज पाइप में नहीं बन सकता, ठीक है, क्लोज पर उसके लिए उसको पूरा होना चाहिए, तो वो क्या उस केस में क्या करता है, हाफ ऑफ की फॉर्म में बन जाता है, हाफ इधर हाफ इधर, ठीक है। अच्छा अब सेकंड हार्मोनिक देखते हैं जरा इसमें, अब यही बात यहाँ पे समझा रहा था कि अगर हम ये वाला करके छोड़ दें तो क्या ठीक है, नहीं, हमने हमेशा ओपन एंड पे एंटी नोड छोड़ना है, नोड नहीं छोड़ना, देखो ना यहाँ पे नोड छूट रहा है, नोड नहीं छोड़ना अपने एंटी नोड पे, खाली जगह पे ओपन एंड पे, ठीक है। अच्छा इसका हो जाएगा लैम्डा बाय टू, इसका लैम्डा बाय फोर हो जाएगा, तब दोनों इकट्ठा करोगे तो 4L/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसकी जगह पुट करते हैं, बड़ा आसान है, अगर आप इससे कन्फ्यूज होते ना तो फिर सिर्फ वी इज एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, पहले ये पुट करो,
लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे एफ फोर एल बाई थ्री, तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर फोर एल थ्री ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूले वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज इक्वल टू थ्री एफ वन। तो अब ये चीज़ एक याद करना बहुत ही डिफरेंशिएटिंग चीज़ है, वो ये कि अगर क्लोज एंड हो तो उसमें आपके पास ऑड इंटीग्रल होंगी, यानी ओपन एंड हो, अगर ये ओपन के लिए ये क्लोज के लिए, टू एफ वन थ्री एफ वन, लेकिन ये क्या होंगी, ये थ्री एफ वन फाइव एफ वन, इसमें ऑड होंगे, ठीक है, जबकि इसमें सारे होंगे, इवन ऑड सारे होंगे, ठीक है, अगर ये ओपन एंड हो। तो अगर पूछा जाए कि रिच इन फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है, तो ये ओपन एंड वाला। रिच का मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी सब में ज़्यादा किस में होती है, तो ओपन एंड, क्योंकि वो ऑड इवन को नहीं देखता, वो सबको ले जाता है बीच, लेकिन क्लोज एंड वाला सिर्फ ऑड को देखता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगली एग्जांपल, ठीक है। अब ये जैसे है, इधर देखो इसका हो जाएगा, बल्कि अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है, इसमें देख लेते हैं नंबर ऑफ नोड एंड लूप्स कितने बने भाई, एक लूप पूरा बना है और एक आधा बना है, तकरीबन ये अढ़ाई बन जाते हैं, ठीक है। आगे नंबर ऑफ नोड्स कितने, एंटी नोड कितने, वो देखिए बता दें, बाकी फार्मूला लिखा रिपोर्ट कर दें। एन हार्मोनिक के लिए क्या करेंगे, एन बाई टू, लूप्स के लिए एन बाई टू करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स के लिए एन प्लस वन बाई टू करेंगे, और नंबर ऑफ एंटी नोड के लिए भी यही काम करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड इसमें सेम आते हैं, देखिए यहाँ पे ये भी टू है, ये भी टू है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के लिए एन एफ वन, लेकिन हमेशा याद रखिएगा एन एक तीन पाँच सात होंगे, ऑड होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे, ये याद रखना, ठीक है। आगे देखें, आगे जी हार्मोनिक वही अभी पहले बता के आया हूँ, ये नहीं बताने वाला बार बार, ठीक है। इफ पाइप है ओपन बोथ एंड, दोनों साइड बोथ इवन ऑड हार्मोनिक आर प्रोड्यूस, ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई, बट इफ पाइप है क्लोज एंड वन एंड ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रोड्यूस, सो ओपन एंड पाइप है रिचर हार्मोनिक देन क्लोज। देखिए मैं जो चीज़ बता के आ रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अच्छा आगे है डॉपलर इफेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, अपीयरेंस चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन, यानी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ रहा है। अभी गाड़ी खड़ी हुई थी, आपको उसकी सायरन की आवाज़ आ रही है, ठीक है, जैसे गाड़ी चलने लगी अब वो सायरन की आवाज़ चेंज होती रहेगी। चेंज कैसे होगी, वो ऐसे लगेगा कि गाड़ी जा रही है, आवाज़ हमसे दूर होती जा रही है, ठीक है, और अब आवाज़ लंबी लंबी हो, पहले सर ओ, फिर सर लंबी करते करते, मतलब ठीक है, एग्जाम्पल छोड़े, आवाज़ अच्छी भी नहीं आती मुझसे, मुझे एम्बुलेंस की अच्छी से आवाज़ भी नहीं आती, ठीक है, चलें छोड़ें, ठीक है। तो इस तरह आपको क्लियर हो गया होगा। तो चेंज अपीयरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या, एफ डैश अपीयरेंट चेंज, इसको आप एफ डैश से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट फर्स्ट ऑब्जर्व बाय लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस स्टार, एक दूर के स्टार से लाइट आती थी, तो उससे हमने इसको डिस्कवर किया, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट जो है वो सब पे एप्लीकेबल होता है, ये सवाल बहुत बहुत दफा आया है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर हो, मैकेनिकल और मैग्नेटिक सब पे हो अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा अब केस वन है, केस वन क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी में चेंज सिर्फ तब होगा जब सोर्स और ऑब्जर्वर में डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, क्या चेंज होगा, डिस्टेंस सोर्स या ऑब्जर्वर में। अब इन दोनों में से कोई भी मूव करेगा, या गाड़ी चलेगी या मैं मूव करूँगा, आवाज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो अब जरा थोड़ा सा फर्क है वो देखो, इफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड साउंड डिक्रीज, देखो दोनों जब दोनों एक नज़दीक आएंगे ना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी को इस तरह समझ लो, आवाज़ जब गाड़ी मेरे करीब आएगी, पुलिस की गाड़ी आ रही है मेरे करीब से, बिल्कुल करीब आके गुजरेगी, तो आवाज़ उसकी मैक्सिमम तब होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस जितना कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आवाज़ कम, गाड़ी दूर जा रही है आवाज़ कम हो रही है। इफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम एंड डेल्टा ऑफ जीरो, फिर चेंज नहीं होगा। अगर देखो गाड़ी खड़ी है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं नहीं चल रहा ना, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी है, तो हमें कोई भी अपेरेंट चेंज फ्रीक्वेंसी में देखने को नहीं मिलेगा। अब केस टू की बात कर लेते हैं, ठीक है। केस वन नहीं था वो, सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे उसने दिया। अब उसको ज़रा देख लें कि आपने इसको करना कैसे। देखें सबसे पहले रिलेटिव स्पीड सिर्फ तभी चेंज होगी जब ऑब्जर्वर मूव करेगा। अब एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, कुछ ज़रा पल्ले बांध देना, आपके पास दो चीज़ें चेंज होंगी। फार्मूला ये है, इस ये फार्मूला आपके जान नहीं छोड़ने वाला, ये इसी के पे आप इधर उधर घूमते रहोगे। अब क्योंकि हमें इसे काम है एफ डैश से, तो एफ डैश इज इक्वल टू वी और लैम्डा। अब इन दोनों में से कोई एक चेंज होगा। देखो जब भी लिसन ऑब्जर्वर मूव करेगा ना, हमेशा वी चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। जब भी गाड़ी मूव करेगी, कार मूव करेगी, तो हमेशा क्या चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा। ये बात याद रख लेना, यानी अगर गाड़ी को चला रहे हो तो लैम्डा को छेड़ना, अगर बंदे को चला रहे हो तो इसको छेड़ना, ठीक है। क्लियर हो गया, आसान है, समझ आ रही है। अब ये कॉन्सेप्ट जरा माइंड में लेके चलो, तो चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बंदे की, तो बंदे की बात हो रही है, मतलब मैंने छेड़ना वी को है। देखो वी में अगर बंदा और गाड़ी दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, तो देखो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये गाड़ी की स्पीड है, ये समझ लो बंदे की स्पीड है, ठीक है। और दोनों दूर जा रहे हैं, तो गाड़ी की स्पीड में से बंदे की स्पीड माइनस कर दो, मतलब गाड़ी खड़ी है, बंदा दूर जा रहा है, क्योंकि अभी हम बंदे की बात कर रहे हैं ना, ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं। चेंज किसको करना है भाई, वी को। बाकी फार्मूला ये रहेगा, एफ डैश इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। लैम्डा को चेंज नहीं करोगे, लैम्डा ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर वो गाड़ी की तरफ आ रहा है तो आप यू नॉट जमा कर दोगे, अगर गाड़ी से दूर जा रहा है तो यू नॉट माइनस कर दोगे, तो बात खत्म। अगर गाड़ी के नज़दीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के नज़दीक बंदा आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी,
ये इंक्रीज होगी। अगर गाड़ी से दूर जा रहे हैं तो डिक्रीज होगी। आपने शायद बुक्स में लहता रहता पढ़ाओ, तो यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा करके दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर का आना जाना दोनों इकट्ठा करके दिया हुआ है। अच्छा, अब डॉपलर इफेक्ट सोर्स इज मूविंग, डॉपलर इफेक्ट तभी प्रोड्यूस होता है जब गाड़ी चल रही हो, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं वेवलेंथ में चेंज तभी होगा जब सोर्स मूव करें। मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम लैम्डा में चेंज करेंगे, वी को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इफ सोर्स इज मूविंग टूवर्ड, अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा है क्योंकि वहाँ पे जब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे हमने प्लस कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जब भी करीब आएंगे तो हम लैम्डा को माइनस कर देंगे, जो बंदे का लैम्डा होगा उसको माइनस कर देंगे, ये गाड़ी का जो लैम्डा होगा, ठीक है। इफ सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर देन अपेरेंट वेवलेंथ डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इस केस में भी इंक्रीज करेगा क्योंकि गाड़ी करीब आ रही है ना, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगी। आपको पता है वी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, ठीक है। अगर एफ बढ़ेगा तो लैम्डा तो कम होगा, अगर लैम्डा कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी जरूर बढ़ेगी। और अभी मैं ऊपर ये बात बता के आ रहा हूँ, जब दोनों नज़दीक आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी है, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़नी है तो डेफिनेटली लैम्डा डिक्रीज होगा, तो लैम्डा डिक्रीज होगा तो मतलब हमें लैम्डा उससे माइनस करना है, माइनस कर दिया। अगर वो दूसरे एक दूसरे दूर जा रहे हैं तो हम लैम्डा को ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। अगर उन्हें कोई चेंज नहीं आ रहा, गाड़ी अपनी जगह पर खड़ी है, तो लैम्डा में कोई भी चेंज नहीं आ गया, लैम्डा अपने लैम्डा के इक्वल होगा, ओरिजिन लैम्डा, ठीक है। डॉपलर शिफ्ट क्या होता है, अब जरा इसको देखो। अब एक और चीज़ यहाँ पर उन्होंने मिस कर दी है, वो ये कि दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उसके इसमें आप क्या करते हो, देखो। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों फार्मूलाज को इकट्ठा कर दो, इसको और इसको। मैं ज़रा यहाँ पे करता हूँ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी प्लस, ऊपर प्लस वाला आ जाएगा यू नॉट, नीचे आ जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, चेंज इन लैम्डा, ठीक है। यानी इस बंदे का लैम्डा निकाल दो या डेल्टा लैम्डा कर दो यहाँ पे, ठीक है। क्या ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ऊपर वाले को माइनस कर दो, नीचे वाले को प्लस कर दो, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट क्या होता है, चेंज इन वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ में चेंज है, वहाँ ऊपर था फ्रीक्वेंसी में, अब अगर चेंज इन वेवलेंथ आ जाए उसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये स्पीड है, ठीक है, स्पीड है, ये नीचे फ्रीक्वेंसी है, फार्मूला वही है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला, यहाँ पे हमने लैम्डा को स्टार्ट पे कर दिया, तो ये किसकी स्पीड है, सोर्स की स्पीड है। डॉपलर शिफ्ट सिर्फ तभी पैदा होगा जब सोर्स मूव करेगा, जब गाड़ी मूव करेगी तो डॉपलर शिफ्ट पैदा होगा। ये चीज़ हमने यहाँ पर भी पढ़ी है कि डॉपलर शिफ्ट कब पैदा होगा, वो तभी पैदा होगा जब गाड़ी मूव करेगी, और गाड़ी मूव करेगी फर्क किसमें आएगा, लैम्डा में फर्क आएगा, तो डॉपलर शिफ्ट कहलाता है, ठीक है। स्पीड ऑफ सोर्स लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसी लैम्डा के साथ लगती नहीं है, वेवलेंथ के साथ नहीं लगती। यहाँ पे सवाल है, टू कार्स ए एंड बी हॉर्न द सेम साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी वाइल अप्रोचिंग एन ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी 20 और 30, देन डॉपलर शिफ्ट इज मैक्सिमम फॉर, डॉपलर शिफ्ट किसके लिए मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये बताओ, स्पीड दी हुई है तो आपको पता है कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू के साथ, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी डेफिनेटली डॉपलर शिफ्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड किसकी ज़्यादा है, सेम साउंड, तो स्पीड इसकी ज़्यादा तो बी होना चाहिए, कार ए इन्होंने किया, आई थिंक गलत है। इफ स्टार इज मूविंग टूवर्ड अर्थ विद स्पीड वी, देन डॉपलर शिफ्ट इज मैक्सिमम फॉर, ठीक है। तो आई आर रेडिएशन की जो क्योंकि जो स्टार है वो हर तरह की लाइट्स छोड़ता है, ठीक है, तो आई आर जो रेडिएशन की लाइट्स होती है ना, वो उसकी डॉपलर शिफ्ट सबसे ज़्यादा होती है। आगे जी, तो ये वाली चीज़ बल्कि उन्होंने मिस की हुई थी, अब दोबारा आ गई है, ठीक है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, देखें ये फार्मूला आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास प्लस वाला, प्लस ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, ये तब यूज़ करोगे जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हो, ठीक है, और ये तब यूज़ करोगे जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, ठीक है। बाकी चीज़ें यही रहेंगी, साथ में फ्रीक्वेंसी को भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप कहोगे कि ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई है, तो हमने चेंज इन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। तो उस वजह से हम जो वी एफ इसके अंदर मजीद जो लैम्डा वाला फार्मूला वो ऐड करें, ठीक है, मजीद फ्रीक्वेंसी ऐड करें, ठीक हो गया, क्योंकि हम ये असल लैम्डा ऐड नहीं करें, कहीं पे आप लैम्डा देख रहे हो यहाँ पे, नहीं लैम्डा नहीं ऐड करें ना, तो इस वजह से लैम्डा क्या फार्मूला, लैम्डा का फार्मूला क्या है, वी ओवर एफ, तो वी ओवर एफ मजीद आप ऐड कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे जब देखो वी ओवर एफ यहाँ पे ऐड करोगे ना, तो ये जो वी एफ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गए एफ, यहाँ पे आ गए, और ये वाला जो वी है वो नीचे आया हुआ, ये देखें ये खड़ा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू पुट नहीं कर रहे, बस लैम्डा से माइनस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बस ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसको आसान काम है, इफ़ ऑब्जर्वर इज मूविंग, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है हमेशा स्पीड में चेंज होगा, देखो इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे लैम्डा क्यों नहीं है, भाई लैम्डा की जगह हम लैम्डा पुट ही नहीं करते, हम लैम्डा की जगह हमेशा वी ओवर एफ पुट करते हैं। अब क्योंकि लैम्डा नीचे था, वी इधर आ गया, एफ इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर हो गया। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, पिच ऑफ साउंड इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, साउंड इंक्रीज होगी, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। वेवलेंथ में कब चेंज आएगा, जब गाड़ी मूव करेगी। ए ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, अगर दूर जाए तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, पिच भी कम हो जाएगी, वेवलेंथ कोई चेंज नहीं। वेवलेंथ कब चेंज आएगा, जब गाड़ी इज मूविंग, ठीक है। तो अब देखो, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं, अब नीचे लैम्डा वाली वैल्यू में हम चेंज कर रहे हैं,
ठीक हो गया, लैम्डा वाली वैल्यू में चेंज करेंगे तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इतनी जरूर इंक्रीज होगी, पिच भी इंक्रीज होगी, लेकिन वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा, लैम्डा शिफ्ट के सॉरी डब्ल्यू शिफ्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर एक मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, अगर सोर्स स्टेशनरी अपनी जगह पे खड़ा है, ठीक है, मूविंग सॉरी सोर्स यहाँ पे लिसनर आना चाहिए भाई, लिसनर बंदे की जगह बंदा खड़ा हुआ है, तो अगर गाड़ी मूव कर रही है तो तब क्या होगा, चेंज वही लैम्डा में होना, लैम्डा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, स्पीच भी कम हो जाएगी, लेकिन पिच यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, बल्कि नहीं पिच कम होगी, इन्होंने ये भी गलत लिखा, छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, बुक है, बुक बनाने वाले मिस्टेक्स करते हैं करते हैं, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ इंक्रीज होगी। इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग फ्रॉम ईच अदर अवे फ्रॉम, अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, लैम्डा डिक्रीज होगा। टू अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट कहाँ कहाँ भी इस्तेमाल होते हैं, रेडार में, रेडियो एम्प्लीफिकेशन डिटेक्टिंग एंड रेजिंग आपके एमसीक्यूज में आएगा। इट यूज रेडियो वेव्स यूज़ करता है, रेडार जो है एम्प्लीफिकेशन ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे जो है वो आने और जाने वाली चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, रेडार यूज डिटरमाइन स्पीड से देखते हैं, स्पीड देखते हैं और एक्चुअल फ्रिक्वेंसी वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, और रेडार जो है वो ऑब्जेक्ट रेडार की तरफ आ रहा है तो लैम्डा डिक्रीज करता है लेकिन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। देखें अगर एम्बुलेंस है आपकी तरफ से पास आ रही है तो उसकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा ऊँची होती जाएगी लेकिन उसका लैम्डा कम होता जाएगा। ठीक है, सोनार, सोनार जो है वाइब्रेशन है, क्या होता है कि नीचे चेक करने के लिए कि जो है नीचे समुद्र कितना गहरा है या नीचे कोई चीज़ है या नहीं है, तो उसके लिए ऊपर से सोनार वेव्स भेज जाती हैं, वो किसी चीज़ पर टच होकर वापस जितनी स्पीड में आती हैं तो वो चेक की जाती है, क्योंकि देखें स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर तो पता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर वो उनके पास ऑलरेडी होता है, वेव्स इक्वल टू एफ लैम्डा करते हैं। ठीक है, अब एफ की जगह पर टीम पुट कर दो जो टाइम पीरियड वाला है, ठीक है, वो पुट कर दो, सिंपल है, फ्रीक्वेंसी आपको पता होती है। ठीक है, लैम्डा आप यहाँ से फाइंड कर लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि कितनी चीज़ कोई चीज़ है या नहीं है। ठीक है, एब्रीवेशन, सोनार यूज अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करती है, सोनार यूज फॉर डिटेक्शन टू डिटरमाइन रेंज एंड स्पीड ऑफ सबमरीन्स, कोई नीचे चीज़ है उसकी स्पीड कितनी है। सोनार यूज टू फिक्स सी डेप्थ एंड अंडर सी माइंस, यानी कोई नीचे खड्डा वगैरह है तो कितना गहरा है उसको फिक्स करें, कितनी मिट्टी डालें, एटसेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग इज बाय यू कैन से इसे करते हैं। आगे रेड शिफ्ट, तो ये हमेशा याद रखें, रेड शिफ्ट कब होता है, स्टार इज मूविंग अवे, अगर कोई चीज़ दूर जा रही है, जमीन से दूर जा रही है तो रेड शिफ्ट होता है, अगर इधर हमारी तरफ आ रही है तो ब्लू शिफ्ट होता है। ठीक है, लाइट वेव्स आर स्ट्रेच रेड स्ट्रिप और लाइट वेव्स कंप्रेस ब्लू शिफ्ट। ठीक है, रेडार स्ट्रिप स्पीड ट्रैप, रेडार स्पीड ट्रैप यूज माइक्रोवेव्स टू डिटरमाइन व्हीकल स्पीड, ये जो रोड पे लेके बैठे होते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड बाय इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, यूएस सोर्स की स्पीड एफ और चेंज इन वेवलेंथ, वेयर एफ इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, डेल्टा एम इज डॉपलर शिफ्ट। अल्ट्रासाउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 MHz टू 10 MHz डायरेक्टेड टू आर्टरी टू मॉनिटर ब्लड, 5 MHz से 10 MHz यूज होते हैं आर्टरी में ब्लड को चेक करने के लिए। ठीक है, और इकोलेशन अलाउज डॉल्फिन्स टू डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंस इन शेप साइज एंड थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यानी जो इको लोकेशन यानी इको से लोकेशन फाइंड करते हैं, आवाज़ देखिए आवाज़ से लोकेशन फाइंड करना, ये डॉल्फिन्स काम करती हैं। बैट नेविगेट फाइंड बाय इको लोकेशन, तो इको लोकेशन को यूज़ करते हैं, उनकी आँखें नहीं होती। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 400 MCQs फ्रॉम वेव्स चैप्टर। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। काफ़ी टाइम लग गया एंड आपने इसी एफर्ट से इसको प्रिपेयर भी करना है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।